मैंने कहा 42।36 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस इंटू कॉस बी इजी वन। कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल में? कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस सी होता है माइनस के साथ माइनस कॉस सी, तो कॉस सी की जगह माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं इंटू कॉस ए माइनस। अपॉन ए कॉस बी की जगह माइनस ऑफ कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए माइनस। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी cos a plus b into cos a minus b cos square a minus sin square b cos square a minus sin square b ये minus minus plus होगा ऐसा। वन माइनस का स्क्वायर है साइन स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर सी विच इज तो बी साइन रूल डाल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे ए स्क्वायर बाय फोर आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ए स्क्वायर प्लस अमन आप किस नाम पर नियोजन कर रहे हो आशी अग्रह? नहीं सर। अच्छा सर एक मिनट। ट्रायंगल है बीस सॉरी द रेडियाई आर वन आर टू आर थ्री ऑफ द डिस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी
or in HP. If the area is 24 square centimeter and its perimeter 24 centimeter, then the length of its sides. इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? When R1, R2, R3 are in HP, तो क्या रिजल्ट मिल गया था? ABC. ABC? क्या होगा? AP. AP में होगा. If R1, R2, R3 are in HP, implies ABC are in AP. वो आपका सेमी पेरिमीटर और आप पेरिमीटर दिया गया 24, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 24. है ना? आज एबीसी आर इन एपी, देन ए प्लस सी कितना होगा? 2b, 2b प्लस बी, 3b, 3b इक्वल 24, तो b इक्वल टू 8. ये तो एक आ गया. ओके, तो सी तो आंसर होगा और कुछ हो नहीं पाएगा. क्योंकि वो मिडल साइड होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा कि सी, और वो सेटिस्फाई कर रहा है एरिया के साथ. बट आप कैसे निकालोगे विदाउट चॉइस? मतलब ऐसा नहीं रहेगा तो फिर कैसे निकालोगे? साइड भी 8 मिल गया, एरिया दिया गया 24, तो एस कितना होगा? 12. आपका एस माइनस एस इनटू S minus A, S minus B, S minus C. कितना होता है एरिया? Square. Yes, sir. 12. ये 12 minus A. 12 minus 8, 4. 12 minus C. Is equal to 24 into 24, correct? Yes, sir. एंड ए प्लस सी आपके पास कितना? 16. दैट इंप्लाइज 12 स्क्वायर 144, करेक्ट ना? माइनस 12 इनटू ए प्लस सी प्लस एस सी इज इक्वल टू 12. एंड ए प्लस सी के जगह आप 16 डाल सकते हो, तो एसी का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है ना? ये हो गया 48 माइनस 48 60, तो एसी इज इक्वल टू 60 एंड ए प्लस सी इक्वल टू 16. अब इसको ये करेंगे तो क्या होगा? ए इक्वल टू 6 होगा तो सी इक्वल टू 10 होगा. नो, सी हाँ 10 होगा और रिवर्स. Yes. If a circle is inscribed in an equilateral triangle of side A, then area of the square inscribe the circle. ये तो आप ऐसे ही भी निकाल सकते हो. तो figure निकाल के आ जाए. हम्म? Figure निकाल के मिल गया था. हाँ.
आप ऐसे ही मतलब विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आप ऐसे ही निकाल सकते हो. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो. ये क्यों डाउट है? नाइन ट्रायंगल एबीसी, एबी इक्वल टू टू, बीसी फोर, सीए थ्री. इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? कॉस भी तो ऐसे कोसाइन फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो, कॉस ही निकाल सकते हो. एंड एडी इज द आपका लेंथ ऑफ मीडियन, वो भी डाल यूज मतलब ये कर सकते हो. ये क्यों डाउट है सर? एक्चुअली लगता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी हमारे बट सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी शायद. मैं वापस ट्राई करती हूँ. ने ट्रायंगल एबीसी R is equal to R2 plus R3 minus R1 and angle A greater than pi by 3. Then range of S by A. R plus R1 is equal to R2 plus R3. ये दिया गया. डालो formula. Area of one S plus area of one S minus A is equal to area of one S minus B plus area of one S minus. तो area cancel हो गया. इसका numerator हुआ 2S minus A. कितना होगा? B plus C. नहीं, 2S minus A रखो. Upon S into S minus A. ये हो जाएगा 2S minus B minus C. कितना होगा? A upon S minus B into S minus C. Am I correct? इसको इंटरचेंज कर दो. तो टू टाइम्स ऑफ एस बाय टू एस माइनस ए अपॉन ए, मतलब टू इंटू एस माइनस ए, एस बाय ए माइनस वन इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस. ये किसका फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला? cot square a by 2. cot square a by 2. आपका a greater than pi by 3. तो a by 2 का रेंज कितना होगा? pi by 6 से लेके pi by 2. करेक्ट ना? ए बाई टू का रेंज 30 से लेके 90 तक होगा. अच्छा, अब कॉट कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. तो कॉट यूज करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. तो कॉट पाई बाय 6 greater than cot a by 2 greater than cot pi implies 0 less than cot a by 2 less than root 3. तो cot square a by 2 क्या होगा? 0 से लेके 3 तक के अंदर रहेगा. cot square a by 2 cot square a by 2 की जगह आप ये डाल सकते हो. That implies 2 into s by a minus 1 lies in between 0 से लेके 3 तक.
प्लस वन कर दो बोथ दी साइड्स, वन लेस देन टू इनटू एस बाय ए लेस देन फोर, टू डिवाइड कर दो, वन बाय टू लेस देन एस बाय ए लेस देन, तो दिस इज द रेंज ऑफ एस बाय ए, हाफ से लेके टू तक, ऐसा कुछ है. बट वन थिंग मुझे हाफ का डाउट है, यू नो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए इन एनी ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, प्लस ए कर दो बोथ दी साइड्स, दैट इंप्लाइज बी प्लस सी प्लस ए ग्रेटर देन टू ए, ये कितना 2s greater than 2a, 2a s by a क्या होगा greater than 1 होगा, एक 1 से बड़ा बोल रहे हैं और एक one more saying it is large in between half to 2, तो क्या होगा answer 2 S by A lies in between what? 1 से लेकर 2 तक. ये आंसर होगा. तो ऑप्शंस में एक्चुअली हाफ से 2 दिया हुआ था. वो मेरे हिसाब से ऐसे लेके क्या होगा, तो उसको ये मिला, ये पार्ट उसको चेक नहीं, वो चेक नहीं किया, ये भी करेक्ट है ना. Yes, one saying half से बड़ा है, दूसरा वाला बोल रहा है कि नहीं one से बड़ा है, तो दोनों करेक्ट है. कब होगा? One से बड़ा होना चाहिए, तो ये प्रॉपर आंसर होगा. One से लेके two, तो आप चेंज कर लो, ऑप्शन ए दिया गया तो उसका ऑप्शन चेंज कर दो, one से लेके two. ये तो कोई भी एंगल के लिए वैलिड ना. समझा ये? यस यस. तो एक मिनट आपको सॉल्यूशन दिखा सकते हो. In a triangle ABC, the median, bisector and altitude drawn from vertex A divides the angle at the vertex into four equal parts. Then angle splits right. ठीक है, ये एंगल को फोर इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा, ये आपका अल्टीट्यूड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, हाँ
ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ये आपका मीडियन, तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा 90 माइनस 3 थीटा होगा, क्योंकि ये 4 थीटा हो गया ना, ये yes. ये 4 थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस 3 थीटा होगा। मुझे थीटा चाहिए, थीटा मिल जाएगा तो यू विल गेट योर आंसर। ये आपका BMC, ठीक है। इन ABM ट्रायंगल, तो यू साइन रूल, तो BM अपॉन क्या होगा, BM के अपोजिट में कितना एंगल है, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन साइन 90 माइनस, करेक्ट? यस। देन ट्रायंगल एसीएम, इन ट्रायंगल एसीएम वन सेकंड यूज साइन रूल, सीएम अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम अपॉन साइन पाई बाय टू माइनस थ्री। अब इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कर दो, तो बी एम सी एम कैंसिल होगा, यस सर, एम एम भी कैंसिल हो गया, यस सर, तो आपको ये सीधा सीधा ये दोनों का डिवीजन मिल रहा है, तो साइन थ्री थीटा अपॉन साइन थीटा, आप चाहो तो साइन थीटा न्यूमिनेटर कर सकते हो, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा, एम आई करेक्ट? यस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू मल्टीप्लाई कर दो, साइन 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, दैट इंप्लाइज साइन 6 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो ट्रायंगल केस में क्या होगा, 6 थीटा इक्वल टू 2 थीटा होगा और पाई माइनस 2 थीटा होगा, यस बट तो कुछ हो नहीं पाएगा, बट 6 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो नहीं पाएगा, ये होने के लिए थीटा को जीरो होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो आप इसके साथ जाओगे, थीटा पाई 6 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा 8 थीटा इक्वल टू पाई, तो थीटा कितना हो गया, पाई बाय 8, एंगल ए कितना हुआ, पाई बाय 2, पाई बाय 2, एक एंगल पाई बाय 2 हुआ, एक पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 और एक पाई बाय 2, 3 पाई बाय 8, तो पाई बाय, क्या पूछा था, एंगल्स पूछे थे, ये पी ऑप्शन, डन, यस सर, एनीथिंग एल्स, सो वन बी में है, वन बी, तो वन बी में 70 7 और 24 18 सो 17 और 21st 21st ओके, सर 16 ये and 16 if the in circle of triangle ABC
attaches its sides respectively at L, M, N, if x, y, z be the circumradius of the triangle M, I, N. NIL, MILIM, where I the in center, then the product XYZ. Okay. If x, y, z with the circumradius of the triangle, M, I, N. Okay. इसका सर्कम रेडियस कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस ए है ना, ये 90, ये 90, ये ए, तो ये पाई माइनस ए, और ये कौन सा क्लिक होगा? ये चारों आपका सर्कल इसमें ही पास करेगा, तो सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा? ए आई डिस्टेंस होगा ना, एम आई करेक्ट? यस। आपका ये जो चारों पॉइंट मिला एन ए एम आई, दिस फोर पॉइंट्स आर कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट, क्योंकि आपका ये 90, ये भी 90, तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180, तो ये चारों पॉइंट क्या होगा, कौन सा क्लिक होगा? तो बिकॉज ऑफ कौन सा क्लिक आपका
ये सर्कम सर्कल हो जाएगा ए ट्रायंगल के लिए, एन एम एन आई ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सर्कल होगा, ये सर्कम सर्कल होगा तो ये आपका डायमीटर होगा, ए आई विल बी द डायमीटर। समझा कि नहीं समझा? यस ये डायमीटर होगा क्योंकि इधर 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ये डायमीटर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द एक्स वाई जेड विद द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है, तो एक्स कितना होगा ए आई बाई टू, वाई क्या होगा बी आई बाई टू, लाइक दैट जेड क्या होगा सी आई बाई टू, करेक्ट। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ए आई का लेंथ निकालेंगे, हाउ टू गेट ए आई लेंथ, ये आपका आर इन रेडियस, ये एंगल कितना होगा आर साइन ए ए बाय टू, आर साइन ए बाय टू, हाँ साइन ए बाय टू होगा आर अपन ए आई, उल्टा उल्टा होगा ना, आपका साइन ए बाय टू होगा आर अपॉन ए आई, ए आई क्या होगा आर अपॉन साइन ए बाय टू, एम आई करेक्ट? यस, ये आपका आर अपॉन टू कॉस, नो टू साइन बी बाय टू, और ये आपका आर अपॉन टू साइन सी बाय टू, वो एक्स वाई जेड कितना हुआ आर क्यूब अपॉन एट साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू, एक फोर आर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, और नहीं मतलब एक आर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो 8 को कर सकते हैं 2 इंटू 4, करेक्ट। तो ये कितना हो गया स्मॉल आर, 4 आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू इन रेडियस, इन रेडियस स्मॉल आर व्हिच इज द आर क्यूब कैपिटल आर अपॉन 2 स्मॉल आर व्हिच इज द हाफ आर आर स्क्वायर, ऐसा कुछ है ऑप्शन में? यस सी ऑप्शन। समझा कैसे हुआ? यस हाँ सर, थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइडिया इसमें लगना चाहिए। AD, B, CF are the perpendicular from the angular points of the triangle ABC upon the opposite side. The perimeter of triangle DEF and ABC are in ratio. ये तो last time किए थे। आपका DEF triangle क्या हो जाएगा? Pedal triangle होगा। तो उसका जो side का length क्या मिला था?
the product of distances of the in center from angular points of triangle. अभी अभी निकाला ना ए आई सेम क्वेश्चन हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द इन सेंटर फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स मतलब ए आई इंटू बी आई इंटू सी आई ए आई का लेंथ कितना मिला आर अपॉन साइन टू ए आई इंटू बी आई which is equal to r upon sin a by 2 r upon sin b by 2 r upon sin c by 2 अभी जैसे निकाले यही करेंगे आपका आंसर फॉर्मेट भी ऐसे ही है ठीक है ना एक 4 r मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आ गया आंसर which is 4 r cos Anything else? Done. न्यू चैप्टर करें सो 38 का भी 30 38 में एक ऑप्शन में डाउट है मोर देन यस सर द बेस बीसी ऑफ ट्रायंगल इज फिक्स्ड And the vertex A move, satisfying the condition cot B by 2 plus cot C by 2 the 2 cot A by 2. Then. So, वो एक तो आ गया लेकिन वो ellipse है वो दूसरा straight line है वो कैसे करना? Okay. Vertex A moves on an ellipse. क्या मिला आपको? ये कौन सा मिला? Option? So B. बी होगा तो फिर आपका आंसर डी हो जाएगा so, कैसे वो तो बताया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था आपका ए पॉइंट मूव कर रहा है बाकी बीसी को दिया गया ये बीसी डिस्टेंस फिक्स ये फिक्स दिया गया ना ये मूविंग पॉइंट आपका ये कहीं पे हो सकता है तो ऑलरेडी यू हैव बी प्लस सी इज इक्वल टू टू ए ये आपका पी पॉइंट ये एफ वन ये आपका एफ टू तो ये बी ये सी तो आपको क्या मिला पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट एलिप्स एक्सरसाइज टू का 13 एक्सरसाइज टू का 13 13 हाँ सर ये क्या करना है which is going to prove that okay bc minus r1 r2 upon r ये प्रूव करना है r सर एक कर दोगे तो बाकी अपने आप समझ जाए हाँ तो ये इसको पकड़ लो
That means you need to prove R, R1 plus R2, R3 equal to BC. Yes, sir. Formula. Enough? एलसीएम कितना हो गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसमें न्यूमरेटर क्या हुआ एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस एस इंटू एस माइनस ए करेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर माइनस बी प्लस इनटू एस प्लस बी सी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस ए ये कितना होगा माइनस टू एस स्क्वायर ठीक है बीसी ही बचे है ना तो लाइक अदर देन से एक और बोलो 23rd ही है इसका गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इफ द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी एम ओके And SCM or R1 R2 then R1 upon R2. Find range of R1 R2. In radius of the triangle ABM. इसका इन रेडियस कितना होगा एम का लेंथ कितना होगा सो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ हाफ इन बी इनटू सी इज इक्वल टू हाफ ए इनटू ए नहीं नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं है एक
तो लेंथ ऑफ मीडियन डाल देंगे, नहीं ये भी a by 2 होगा ना, AM का लेंथ क्यों? AM का लेंथ भी a by 2 होगा क्यों? Any idea? आप एक सर्कम सर्कल बना सकते हो ना एबीसी को लेके? यस सर। एबी क्या होगा, सॉरी बीसी क्या हो जाएगा? डायमीटर। डायमीटर तो ये सब रेडियस हो जाएगा ना। हाँ तो एम जितना होगा बीएम उतना उतना होगा, सीएम भी उतना ही होगा। तो एम का लेंथ इज इक्वल टू बीएम लेंथ इक्वल टू सीएम लेंथ इज इक्वल टू ए बाय टू। तो आर वन कितना होगा इसका सर, इन रेडियस दिया गया आर वन, आर वन क्या होगा डेल्टा so, वो निकाल लूंगा सर साइड ज्यादा तो ठीक है ना हो जाए। चलो और कुछ मैंने उत्तर किया वो ज्योमेट्री का कंसेप्ट नॉन न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ऑल्दो इट इज डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर, मैं थोड़ा मिक्सअप करके इसको बता रहा हूँ। Already you know determinant of how to find out determinant वो हमें पता है, बाकी properties पता नहीं है, वो सब discuss करेंगे। फिलहाल you know determinant of A B C D क्या होता है, is A D minus B C determinant of A1, B1, C1, A2, B2, C2 already हम discuss किए थे coordinate में, A3, B3, C3 कैसे निकालते हो? sir A1 into B2 A1 को बाहर लेके sir C3 into B2 minus B3 first of all आपको मैंने बताया था plus minus plus हाँ you have to follow the alternative sign plus माइनस प्लस ये साइन को फॉलो कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन को फॉलो किया जाता है। तो यू कैन इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, कोई भी रो कोई भी कॉलम के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ओके जैसे कि मैं फर्स्ट रो वाइज निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा, A1 को पहले क्रॉस करेंगे, क्रॉस एलिमेंट इनटू रेस्ट एलिमेंट का डिटरमिनेंट इट इज B2 C3 माइनस B3 C2 देन सेकंड वन होगा माइनस B1 क्योंकि मैं रो वाइज निकाल रहा हूं
ये एलिमेंट को मैं क्रॉस करूंगा तो ये इसका पोजीशन नेगेटिव पोजीशन, तो माइनस बी वन इंटू बाकी जो चार एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू देन प्लस सी वन इंटू सी वन को प्लस करेंगे देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस फर्स्ट फोर ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू. सपोज यू आर फाइंडिंग योर डिटरमिनेंट सेकेंड कॉलम वाइज तभी आप कर सकते हो. मैं सेकेंड कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी वन इंटू ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू देन इसको क्रॉस करेंगे प्लस बी टू होगा प्लस बी टू इंटू ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन देन माइनस बी थ्री होगा देन ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन. तो आप दोनों का रिजल्ट चेक करोगे बोथ रिमेन सेम. ये आप चेक कर सकते हो ये दोनों के लिए इक्वल है माइनस बी वन इंटू ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू ये भी वही है. बाकी ए वन बी टू सी थ्री प्लस में ए वन बी टू सी थ्री प्लस में देन माइनस ए वन बी थ्री सी टू माइनस ए वन बी थ्री सी टू then a2 b3 c1 plus a2 b3 c1 plus then a3 c1 b2 minus a3 c1 b2 minus correct. So both result remains same. So you can evaluate your determinant, you can expand your determinant any row wise any column wise. तो इसके बारे में हम करेंगे अभी थोड़ा मैट व्हाट इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा ये करेंगे डिस्कस करेंगे. सर एक मिनट तो लिखना था लिखना है answer. Okay. हम डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालते हैं एक्सपांड करके बट व्हाट इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एम एन एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर आर है.
आर एस स्पेलिंग कैसे है ना? यस सर। इन्हें रेक्टेंगुलर आर ए आप एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप एमएन लिख सकते हो। ऐसे इसमें क्या होता है कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एमएन एलिमेंट्स अरेंजमेंट ऑफ एमएन एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर आरे। आप ऐसे साइन दे सकते हो नहीं तो ऐसे भी दे सकते हो। ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अप टू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री अप टू ए टू एन लाइक दैट ए एम वन ए एम टू ए एम थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन। एम एन एलिमेंट्स को हम इसी हिसाब से रखेंगे ठीक है। हाउ मेनी रोज आ रही है कितने रोज नंबर ऑफ रोज यस एम 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 रोज कितने कॉलम्स एन एन। उसको जितने रोज एंड कॉलम्स होता है ना वो नीचे लिखा जाता है इसको बोला जाता है ऑर्डर। इसको बोला जाता है ऑर्डर। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n और इसको m इंटू n नहीं बोला जाता है इसको बोला जाता है m बाय n। ओके वेयर m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स और ये जितना इसका वैल्यू जितना होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। एम इंटू एन इज द एम एन एलिमेंट्स एंड योर एलिमेंट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज राइट इन दिस वे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री इसका मतलब क्या है ए टू थ्री का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ठीक है ना। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ आई एथ रो एंड जेथ कॉलम उसका सिग्निफिकेशन होता है। ओके ए टू थ्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है ज्यादा मतलब ये नहीं है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ योर मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर आरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आप ये साइन दे सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो नहीं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट दे सकते हो ठीक है। Now come to definitions. एक सेकंड थोड़ा ऊपर करो। ठीक है देखिए। Done.
Yes, it does. Okay. Now definition is the square matrix. What is square matrix? M equal to n. Yes. Rows equal to columns. Yes. If m equal to n, then the matrix is called square matrix. And in general, matrix, jitne sare matrix hota hai, usko कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में किया जाता है। इफ अब डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, अब ये मैट्रिक्स सो दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स then the matrix is called square matrix. Insert, you can write just m equal to n. Diagonal matrix. ये क्या होता है? Diagonal matrix क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में आपका डायगोनल नहीं मिलता है। जैसे कि 2, 3, 8, 1, 4, -7, 13, दिस इज द मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 4, मतलब 8 एलिमेंट्स इसमें है। इसका कोई इसका डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल मतलब एलिमेंट के साथ ये करना चाहिए, जॉइनिंग होना चाहिए। इसको ऐसे जॉइन करोगे तो दिस इज नॉट योर डायगोनल, ये डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल के लिए आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 This is your square matrix. Or ये आपका diagonal. This is your diagonal. इसको diagonal नहीं माना जाता है. Okay. This is called main diagonal. इसका एलिमेंट कौन सा फॉर्मेट में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। मतलब इसका एलिमेंट सब क्या है? ए आई आई फॉर्मेट में है। यस सर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे आएगा। आई इक्वल टू जे होगा। ठीक है? ये एलिमेंट्स को मैं क्या फॉर्मेट लिख सकता हूं? मेन डायगोनल का अपर एलिमेंट्स, उसको कौन सा फॉर्मेट में लिख सकता हूं? ए आई जे वेर आई लेस देन जे। चेक करो सबका आई लेस देन जे, ये कौन सा फॉर्मेट होगा? आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे ए आई जे वेर I greater than J.
अच्छा व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो जाना चाहिए, सो दैट वो वैनिश दिखेगा, मतलब नहीं दिख रहा है, और ये आपको एक सिर्फ एक डायगोनल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट्स नहीं बोल रहा हूं कि ये जीरो नहीं होगा, जीरो हो सकता है बट वो कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी है कि ये दोनों पोर्शन वैनिश होना चाहिए, इसके लिए सब एलिमेंट्स जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स अभी स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। Am I correct? Yes, sir. इसमें क्या आ रहा है? ये i इज इक्वल टू जे आ रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहा है? i इक्वल टू जे हो रहा है। बाकी सब क्या हो रहा है? i इज नॉट इक्वल टू जे। ये बोल रहा है कि व्हेनेवर i इज नॉट इक्वल टू जे वो जीरो हो जाना चाहिए। Then the matrix is called diagonal matrix. Am I correct? एट जीरो 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 माइनस फिफ्टीन जीरो जीरो तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। इसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो रहा है, समझा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर का एक ट्रायंगल दिखेगा, नीचे आपको दिखता नहीं, मतलब हाँ बोलो। आई इक्वल टू जे और आई ग्रेटर देन जे वाले सारे जीरो होने चाहिए। नहीं, ये पोर्शन ये विजिबल होगा, इंक्लूडिंग मैन ये विजिबल होगा, ये जीरो हो जाना चाहिए। ये जो ट्रायंगल दिया है ना, ये जीरो हो जाएगा तो अपर एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पोर्शन जीरो हो जाना चाहिए, मतलब ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। देन अपर पोर्शन एक ट्रायंगल जैसा दिखता है, दैट दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स विद A I J equal to zero for all I greater than J. Then the matrix is called upper triangular matrix. Then this matrix is called upper triangular matrix.
ये अपर ट्रायंगुलर, ये पोर्शन मेन डायगोनल का नीचे का एलिमेंट सब जीरो हो जाना चाहिए। जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी है। हाँ है। नहीं सर कुछ। स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट, स्क्वायर मैट, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो नहीं होगा ये। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? Aij equals to zero for all I lesser than j. Yes. इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। And Aij zero होगा for all I less than j. Then the matrix is called Lower triangular. Right. Done. Next is the scalar matrix. वो क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी इस डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए, सो दैट ए आई आई इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स था ना, इसमें क्या हुआ था, ये एलिमेंट जरूर नहीं था कि इक्वल होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जितने सारे एलिमेंट सब इक्वल होता है। यू गॉट माय पॉइंट? This is called scalar matrix. Diagonal matrix होना चाहिए और इसका elements of its diagonal are equal. Sub each and every elements of its diagonals are fixed. कुछ भी suppose ये 8 होगा तो फिर सब 8 हो जाएगा. Then this matrix is called scalar matrix.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सारे एलिमेंट्स वन है. सारे एलिमेंट्स वन मतलब ये भी 1 0 1. हाँ 1 0. ये स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए. ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट्सेल्फ इज स्केलर मैट्रिक्स बट के की जगह सब वन हो जाएगा. Then the matrix is called identity matrix. Identity matrix बोलते हैं, unit matrix भी बोलते हैं. Undenoted by आई एन और सिंपल आई में भी डिनोट किया जाता है. जैसे आई थ्री का मतलब क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये इसका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है. आई एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. IN, sorry, not square, मतलब identity matrix of order N. Simple I लिखोगे भी चले. Null matrix. ये क्या होता है? सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा. ओके एंड डिनोटेड बाय तो इसमें क्या होगा? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे. तो आपका ऑर्डर कुछ भी होगा. ये किसी के साथ मतलब मिक्स हो जाता है. आप नॉर्म मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो. ओके ऑर्डर जो भी करोगे, ये एक्चुअली ऑर्डर क्या है? 2 by 3. तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, वो सब कुछ उसको मैनेज करता है. इसका कोई मतलब ये जरूर नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. यस आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द सबसेट ऑफ स्केलर, स्केलर इज द सबसेट ऑफ diagonal matrix. Scalar matrix is the subset of diagonal matrix and identity matrix is the subset of scalar matrix. Singular matrix. वो क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. एंड डिटरमिनेंट जो होता है ना, वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ओके हम 2 by 2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 by 3 का निकालते हैं, 2 by 3 का नहीं निकालते. ओके तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. इफ अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, और आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, बट डोंट कॉल इट इज मॉडुलस ऑफ ए. दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए. ओके स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स.
डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो क्या बोलेंगे? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर में जीरो होगा तो सिंगुलर बोलेंगे, नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर। ट्रेस ये क्या होता है? व्हाट इज ट्रेस? इफ अभी स्क्वायर मैट्रिक्स देन समेशन ऑफ ए आई आई इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय टी आर ऑफ ए। For an example, इसका ट्रेस क्या होगा? ए आई आई मतलब -6 डायगोनल एलिमेंट इसका ये होगा। तो 3 - 22 + 4 + 9 = -6। रेड डन। कहाँ से लिखना है? स्केलर से।
Done. Sir, 1 minute. Next, transpose. वो क्या होता है? रो और कॉलम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं. रो कॉलम को करेस्पॉन्डिंग रो चेंजेस करेस्पॉन्डिंग कॉलम. By interchanging corresponding rows as corresponding column. Then the matrix is called transpose of original matrix. Huh? And transpose of matrix A denoted by A raised to T or A dash. कुछ books में ऐसे index T दिया गया, कभी A dash दिया गया. Let A the 7 minus 4, 9, 3, 8, 11, 25, 6, 8. So A transpose kya hoga? 7, 3, 25. Aapka फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो जाएगा और वाइस वर्सा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. तो माइनस फोर एट सिक्स नाइन इलेवन एटीन. अच्छा क्या हुआ? फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम. Then symmetric matrix. अच्छा ये इसमें square matrix जरूरी है क्या? नहीं सर, किसी को भी जरूरी है. If A with order m by n, then A transpose क्या होगा? n by n. Symmetric matrix. अच्छा A transpose transpose क्या होगा? Symmetric matrix. ये क्या होता है?
ABA square matrix, yes. So that A equal to A transpose, or A transpose is equal to A, then the matrix is called symmetric matrix. तो आपको ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा. चेक करो, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमेन सेम, फर्स्ट रो जैसे ही, फर्स्ट कॉलम भी ऐसे ही, सेकंड रो सेकंड कॉलम चेक करो, बोथ रिमेन सेम, थर्ड रो थर्ड कॉलम रिमेन सेम. इसका मतलब भाई इंटरचेंजिंग रो एज कॉलम, तो आपको कोई डिफरेंट मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा, यू विल गेट सेम मैट्रिक्स. हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें और क्या होता है, ए आई जे इफ यू चेक दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे ओके फ्रॉम मेन डायगोनल इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल. ये आपका 1 2 होता है, ये 2 1 बोथ रिमेन सेम, ये 1 3 ये 3 1 बोथ रिमेन सेम, ये 2 3 ये 3 2 बोथ रिमेन सेम. फ्रॉम मेन डायगोनल इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है, अदरवाइज ए आई जे ए जे आई कभी नहीं होगा. हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर, ट्रांसपोज का नेगेटिव ए के बराबर होता है. यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, A transpose is equal to minus of A. That means kya hoga? A I J is equal to minus of A J. इसमें क्या था? Diagonal भी zero होते हैं. हाँ, बिल्कुल होगा. A I J is equal to A J I. इसमें होगा A I J is equal to minus of A J I. इसका मतलब A I I क्या होगा? If I equal to J रखेंगे तो क्या होगा, A I I equal to minus of A I I. Implies what? Zero ना पड़े. A I I equal to zero. That implies A I I equal to zero. A I equal to zero मतलब सारे के सारे diagonal elements क्या हो जाएगा, zero हो जाएंगे. And equidistant elements from main diagonal equal in magnitude बट अपोजिट इन साइन, ये सबके सब जीरो हो जाएंगे. और इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. जीरो माइनस 44 47, ये आपका माइनस 16 होगा, प्लस 44 हो जाएगा, माइनस 37, 0, 28, माइनस 10, ये क्या होगा,
-28 +10 ठीक है। तो सारे के सारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाना चाहिए, इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। एक मिनट। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स, ये क्या होता है? कब इक्वल हो सकता है? Corresponding elements equal होने चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाके आप इक्वल कंडीशन लगा सकते हैं. ओके, एंड करेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस रिमेन सेम. इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, देन बोथ आर सेम ऑर्डर एंड करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस रिमेन सेम. इफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब ये बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, of order p by q, implies what? आपका first of all m is equal to p होना चाहिए, n is equal to q होना चाहिए, and a i j is equal to b i j होना चाहिए. Let a 2 minus 3, 7, A, B, C, and B equal to X, Y, Z, 17, 18, 19. If A is equal to B, तो क्या होगा? आपका X value 2 हो जाना चाहिए, Y value minus 3, जेड वैल्यू 7, ए इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 18, सी इक्वल टू 19. तब जाके हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी. नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस, और कुछ डिस्कस करेंगे व्हाट मैट्रिसेस. इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है,